सरकार देश में अब उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग की एक नई और भरोसेमंद व्यवस्था बनाने की तैयारी में है। उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग को विश्व स्तरीय बनाने के लिए तैयारी भी शुरू कर दी गई है। अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलावों की तैयारी शुरू हो गई है। तो क्या होंगे बदलाव, दिखाते हैं आपको। मोदी सरकार अब उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को परखने के लिए आने वाले दिनों में QS और टाइम्स जैसी रैंकिंग कंपनियों का सहारा नहीं लेगी। भारत सरकार अब देश में इसी तर्ज पर उच्च शिक्षण संस्थानों के विश्व स्तरीय रैंकिंग की एक नई और भरोसेमंद व्यवस्था बनाएगी, जिसे लेकर सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि इसके आकलन का फॉर्मूला भारतीय शिक्षा पद्धति के मापदंडों के अनुरूप होगा। आपको बता दें कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद देश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलावों की तैयारी मोदी सरकार ने पहले ही शुरू कर दी है। फिलहाल उच्च शिक्षण संस्थानों की वैश्विक रैंकिंग के लिए QS और टाइम्स जैसी दोनों ही एजेंसियां ब्रिटिश मूल की है। QS और टाइम्स जैसी रैंकिंग करने वाली एजेंसियों पर धारणा के आधार पर भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों का आकलन करने का आरोप लगाया गया था। ये आरोप कोई और नहीं बल्कि शिक्षा मंत्रालय और उच्च शिक्षण संस्थानों की तरफ से लगाए गए थे। इसी कारण 2020 की टाइम्स रैंकिंग में IIT बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर और खड़गपुर जैसे देश के साथ प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों ने इसका विरोध किया था और इनके रैंकिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस मामले में खुद रुचि दिखाई थी और अब भारत सरकार राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग करने वाले NIRF के दायरे को विस्तार देने की तैयारी कर रही है। साथ ही इसके लिए दुनिया के दूसरे देशों के उच्च शिक्षण संस्थानों से भी संपर्क साध रही है और इसके लिए शिक्षा मंत्रालय ने अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी दुनिया के कई देशों के साथ साझा किया है। DB Live की रिपोर्ट।